ओम शांति। अब आपका है 12 जून का ईश्वरीय वरदान की रिकॉर्डिंग, जहाँ पर परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम दुआएं दें और दुआएं लें, खुशियाँ दें और खुशियाँ लें। लेना मतलब मांगना नहीं, दुआएं मांगने की ज़रूरत नहीं, जब आप देते हैं ऑटोमेटिकली आती हैं, खुशियाँ देते हैं ऑटोमेटिकली आते हैं। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक। अब ये स्टॉक भी होता है दुआओं का, जैसे आप घर में अनाज स्टॉक करते हैं, बैंक में आप धन स्टॉक करते हैं, उसी तरीके से दुआओं का स्टॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा, जाएगा साथ में दुआओं का स्टॉक। करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूरत भवा, जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं, और अगर कर्म श्रेष्ठ ना हो तो पर दुआएं भी मिलती हैं। सबके मुख से निकलता है कि यह तो बहुत अच्छे हैं, वह उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो। इसमें स्व की इच्छाओं को त्याग करने की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, स्व के अहंकार को, अभिमान को, मैंपन को त्याग करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तभी हम किसी से दुआएं ले पाते हैं। लेकिन अगर मैंपन होगा तो मिक्स हो जाएगा, तो फिर दुआएं नहीं होंगी, सेल्फिशनेस हो जाती है और को पता चल जाता है। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी। जड़ चित्र कौन से हो गए? देखा होगा आपने मंदिर में ऐसे हाथ करके देवी देवता होते हैं, वो कभी लेते नहीं हैं लेकिन देते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसे हाथ करके किसी के सामने रख देना, इसका मतलब ये नहीं कि है आप उसको दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि आप मन से खोट हो सकता है आपके अंदर, लेकिन हाथ से सिर्फ आप दिखा रहे हैं कि आप दुआएं दे रहे हैं। तो इसलिए अंदर बाहर सेम होना चाहिए, और ये हाथ ऐसे करने से तो सबसे ज़्यादा ताकतवर तो आपके संकल्प हैं, जो कि हज़ार हज़ार किलोमीटर तक किसी को दुआएँ दे सकते हैं और किसी को बतुआ भी दे सकते हैं। तो हमें बच के रहना है कि हम कहीं बतुआएँ ना कमा लें, हम सिर्फ दुआ कमाएँ। फिर आप कहते हैं, जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूरत बन जाएंगे। चैतन्य मतलब जो आप अभी फिजिकल फॉर्म में हैं, आप दुआएं ले रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, खुशी ले रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, तो लोग आपको देखते ही सुख पाएंगे, खुशी पाएंगे, दुआओं की महसूसता करेंगे। ये बनने के लिए, इतनी ऊंची हस्ती बनने के लिए हम ब्रह्मा कुमारी इसमें यही चीज़ तो सीखते हैं कि कैसे अपने आप को परिवर्तन करें, ताकि और उसे दुआएं हम कमाएं। साथ में वही जाएगा और कुछ नहीं, सब कुछ यहाँ रह जाएगा, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। इसके साथ ओम शांति।